छत्तीसगढ़ में चुनाव के आगाज के साथ ही कई नए नारे भी सुनाई दे रहे हैं। भाजपा या कांग्रेस दोनों ही नारों के साथ जनता के दिल तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने भाजपा पर नारा चुराने का आरोप भी लगा दिया है। इससे प्रदेश में नारों को लेकर प्रदेश सियासी बवाल मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के आगाज के साथ ही कांग्रेस ने नारा दिया है तैयार हम। इसी नारे के साथ कांग्रेस ने संकल्प शिविरों की शुरुआत की। कांग्रेस के कार्यक्रमों में यह नारा बैनर पोस्टरों से लेकर लोगों की जुबान पर नजर आता है। लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भाजपा की दूसरी सूची के प्रत्याशियों को इसी नारे के साथ बधाई दी। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने ट्वीट पर अरुण साव पर कांग्रेस का नारा चुराने का आरोप लगा डाला। दीपक बैज ने लिखा कि भाजपा के पास मुद्दे नहीं थे, नेता भी नहीं है, अब बेचारे के पास नारा भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की ये तैयार हम लाइन को चुरा कर बेचारे ट्वीट कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने भी मजेदार अंदाज में भाजपा पर नारा चुराने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि पहले तो छत्तीसगढ़ महातारी की फोटो लगाई, फिर कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा को कॉपी किया, अब नारा भी चुरा रहे हैं। वही भाजपा के नेता इसे लेकर कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासी फिजाओं में एक से बढ़कर एक नारे गूंजते रहे हैं। कांग्रेस हो या भाजपा, हर दिल के नारों में जनता से जनता का जुड़ाव भी बेहद खास होता है। यही वजह है कि चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस और भाजपा नारों को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। जहां तक बात है तैयार हम नारे की, तो सियासी दल कितने तैयार है यह वही जाने, पर जनता लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने के लिए जरूर तैयार हो चुकी है।